हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी इंग्लिश की क्लास में करना है टॉपिक आर्टिकल्स। हमारी बुक के अंदर है ये चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल्स, पेज नंबर 67 के ऊपर। तो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और ये सेंटेंसेस के अंदर हम इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स के अंदर ये थ्री वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ए, एन और द। ये तीन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स के अंदर। तो सबसे पहले आर्टिकल्स हुए क्या, अगर इनको हम किसी डेफिनेशन के अंदर लिखें कि व्हाट इज़ द आर्टिकल्स, तो हम लिखेंगे द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आप इसमें द भी इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। क्योंकि हमारे पास ये जो आर्टिकल्स हैं ए, एन और द, इन्हीं आर्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है अलग पर्पस के लिए, फॉर द डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो पहले ये जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि ये द आर्टिकल्स ए एंड एन, ये वाले आर्टिकल्स दैट आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, क्यों? बिकॉज दे पॉइंट टू अ जनरल पर्सन और थिंग। ये ए एन और एन जो है इनको हम यूज़ करते हैं किसी जनरल चीज़ के लिए। अगर हम किसी जनरली किसी कॉमनली किसी चीज़ की अगर हम बात करें, किसी चाहे उसमें पर्सन हो या फिर कोई और चीज़ हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन। तो ये हो गए इनडेफिनिट। और दूसरे होते हैं हमारे डेफिनेट, डेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं और किन सेंटेंसेस के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। द आर्टिकल्स द स्पीक फॉर समथिंग दैट इज डेफिनेट। आर्टिकल्स के अंदर हम द को यूज़ करते हैं, द यानी कि जो एक स्पेसिफिक थिंग को रेफर करे। किसी डेफिनेट चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं द। इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई चीज़ या फिर कोई थिंग जिसके बारे में हम बात करें। जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे जनरली बताऊं, जैसे कि द पर्सन, द मैन, ये हो गए पर्सन, थिंग्स, द टेबल, द पेन, ये इन इस तरीके से हम इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्टली है शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस। इस सेंटेंस के अंदर मैंने यूज़ किया है ए, क्योंकि दिस इज़ अ कॉमन सेंटेंस जिसके अंदर हम यहाँ पे ड्रेस जो आ रहा है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि उसने एक ड्रेस पहनी हुई है, तो इसमें मैंने यूज़ किया ए आर्टिकल। सेकेंड इज शी इज़ वेयरिंग एन एक्सपेंसिव ड्रेस, कि उसने एक महंगा ड्रेस पहना हुआ है, इसमें मैंने यूज़ कर लिया एन। क्यों? क्योंकि ये जो एन होते हैं इनको हम यूज़ करते हैं वोवल्स के लिए। अगर हमारे पास सेंटेंस के अंदर वोवल्स से शुरू होने वाले कोई भी वर्ड्स प्रेजेंट हैं अगर हमारे पास में, तो हम उनके आगे लगाते हैं एन। अब ये वोवल्स कैसे होंगे या फिर किस वर्ड से शुरू होंगे, तो यहाँ पे ये मैंने आपको वोवल्स लिख के दिखाए हैं ए, यू, आई, ई और ओ। तो इनसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स से पहले हम यूज़ करेंगे एन, तो इसीलिए हम इन्हें इस सेंटेंस के अंदर यूज़ किया है एन। शी इज़ वेयरिंग एन एक्सपेंसिव, तो ये ई से शुरू हो रहा है यानी कि इसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं एक वोवल को। तो इस तरीके से हमने इनको यूज़ करना है। ये हो गए हमारे जनरल पर्पस के लिए, बिल्कुल आम जैसे कि हम बात करते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं डेफिनेट। डेफिनेट के अंदर हमने ये यूज़ करना है द। अब द जो होता है हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी थिंग के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक हो, खास हो, जैसे कि द ताजमहल। अब इसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे या फिर एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक डेफिनेट है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, खास चीज़ है, स्पेसिफिक है। यानी कि ताजमहल कोई आम चीज़ नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करें द ताजमहल। या फिर सेकंड एग्जांपल से हम समझें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन।
हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। तो हमने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ किए हैं, देखिए यहाँ पे भी हमने द अर्थ लगाया है। अब अर्थ एक आम चीज़ तो है नहीं है, एक स्पेसिफिक चीज़ है। ऐसे ही हमारा सन, दैट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर और एनी जर्नल थिंग, तो इसके लिए भी हमने यूज़ करना है द। तो ऐसे ही हमने आर्टिकल्स को यूज़ करना है। हमारे पास सिर्फ तीन आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। इन तीनों को हमने हमारे सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। ए जो कॉन्सोनेंट साउंड्स करते हैं उन सेंटेंसेस के अंदर, उन वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं जो बिल्कुल जर्नल होते हैं, और एन हम यूज़ करते हैं हमारे वोवल्स के लिए, जो वोवल वर्ड्स आते हैं उनके आगे हमने एन प्लेस करना होता है, और जो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, उनके लिए हम यूज़ करेंगे द। ओके,